आइए लेकर चलते हैं आपको इंदौर शहर में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार के बीच, जहां दादी दिन रात अथक प्रयास करती हैं बच्चियों को संस्कारित करने के लिए। उन दादी की दो बहुएं हैं, एक एक्सपायर हो चुकी है और एक छोटी बहू अपने किटी फैशन और स्कूल के चक्कर में उस बच्चे को धार्मिक संस्कार लेने ही नहीं देती है, और जिसका हर्जाना उस बच्चे को कैसे अपने जीवन में भुगतना पड़ता है, इन सभी छोटी छोटी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, और बताएंगे कि आखिर पाठशाला का वास्तविक जीवन में क्या महत्व है। तुम्हें पता है कि अपने महापुरुष कौन होते हैं? कौन होते हैं दादी? हमारे महापुरुष हमारे तीर्थंकर होते हैं, और पता है तीर्थंकर 24 होते हैं। गुनगुन बेटा क्या कर रही हो? दादी हम आपसे कुछ बोल रहे थे। दादी तीर्थंकर कैसे बनते हैं? बेटा तीर्थंकर अपने कर्मों को जीत कर बनते हैं। अरे मम्मी जी आप क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, ये इनकी जिंदगी में कभी काम नहीं आने वाला है। चल गुनगुन हम टीवी देखते हैं। चल कर तुझे ही पढ़ाती हूँ। दादी आपको बहुत बुरा लगता होगा ना, चाची आपको बच्चा लगता होती है। बेटा मेरे बुरा लगने की तो उम्र तब की चली गई, ये सब इनकी जिंदगी के आगे के पहलू में समझ में आ जाएगा। बिल्कुल गलत, चलो अपने सब पाठशाला चलते हैं। नहीं दादी मुझे नहीं जाना। चलना जाएंगे। चलो नहीं जाना, नहीं जाना। अरे मम्मी जी आप पाठशाला बैठे हो, पाठशाला आप इसको ले जाइए तो ले जाना है। गुंजन तो मैं सबके लिए पार्टी में जाएगी। चल गुंजन खड़ी हूँ, अपन तैयार हो जाओ फिर अपन। तुम इसको स्कूल भी तो भेजती हो ना, फिर पाठशाला में ऐसा क्या है? स्कूल जाके पढ़ाई करती है, वहाँ जाके पढ़ेगी मैं, कुछ न कुछ तो बनेगी। आप छोड़िए आपको समझ नहीं आएगा। चल अपन चलते हैं। और दादी समाधि मरण सुनते हुए झलक को ढेर सारे धार्मिक संस्कार देकर मरण को प्राप्त होती है। सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग दीदी, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं बचा तो मेरे पास।
सोचना चाहिए था ना तुम्हें शांति से, एक बार तुम बोल के तो देखती, क्या पता मनुष्य निकल जाता। भगवान ने ऐसी कोई दुविधा बनाई नहीं है कि जिसका सलूशन हो ही नहीं सकता है। अब टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है, और खबरदार आगे तुमने ऐसे कोई कदम उठाया तो। दुल्हन तुम्हें पता है दादी क्या कहा करती थी? हमेशा वो बोलती थी कि पाठशाला चलो चलो, वहाँ अच्छी बातें सिखाई जाती है, संस्कारों की बातें सिखाई जाती है, लेकिन तुम हमेशा गेम्स में बिजी रही, अपनी ही धुन में थी। तुमने कभी भी पाठशाला को महत्व नहीं दिया। फिर भी मुझे मालूम है वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी तुम्हें समझना चाहिए कि पाठशाला में जो संस्कार दिए जाते हैं वो आज के लिए नहीं है, आगे तक हमारे साथ रहते हैं। और हम तो फिर बेटियां हैं, बेटी से हमारा करना सिर्फ हमी तक सीमित नहीं रहेगा, वो आगे जाकर वो कितनी पीढ़ियों को सिखाएगा। तुम्हें इस चीज को समझना चाहिए। चाची ने भी सिर्फ अपने आप को किट्टी में उलझाया रहेगा, कभी तुम्हारे पे ध्यान नहीं दिया इस चीज पे, लेकिन अभी भी समय है। देखा आपने, आज ये बच्ची कैसा कदम उठाने वाली थी। इसकी तरह न जाने कितनी ही लड़कियां लड़कों के बहकावे में आ जाती है और ऐसा गलत कदम उठाने की कोशिश करती है। इसमें कहां कोई कमी रही, कमी किसकी रही? बच्चों की रही, कहीं ना कहीं कमी माता पिता की रही, उनके संस्कारों की रही। अगर पाठशाला भेजते हम अपने बच्चों को तो शायद वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाते। आज इससे देखकर पता चलता है कि पाठशाला का क्या महत्व है। अगर हम अपने बच्चों को 8 घंटे स्कूलों में भेज सकते हैं, कोचिंग क्लासेस भेज सकते हैं, हॉबी क्लासेस भेज सकते हैं, तो क्या हम उन्हें आधा घंटा के लिए, एक घंटा के लिए हम पाठशाला नहीं भेज सकते? विचार करने की आवश्यकता है। पाठशाला हमसे क्या मांग रही है? सिर्फ संस्कारों की तो मांग कर रही है, फिर क्यों हम बच्चों को वंचित कर रहे हैं संस्कार देने से? विचार हमें करना है। जय जिनेन्द्र, और ये था आज का हमारा एक छोटा सा स्किप वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि क्या अंतर है पाठशाला जाने वाले बच्चों में और नहीं जाने वाले बच्चों में। ये है मेरे पाठशाला के सभी बच्चे, और ये है तानी, ये मान्या, ये मुस्कान, शीज भव्या, इसको बहुत सारे वीडियोस में आपने मेरे साथ देखा होगा, शीज छवि, एंड ये है खुशी। ये कम आती है फिर मैं इसके नाम में कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो आज हमने इन सब बच्चों के साथ मुझे काम करके बहुत मजा आया, और इसको हमारे मंदिर में परफॉर्म करने वाले हैं। आप भी अपने मंदिरों में परफॉर्म करिए। दादा आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखिए।